9th वर्कशीट नंबर 17 21 दिसंबर ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लेना वर्कशीट को, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। 21 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट का नंबर है कितना 17 और क्लास कौन सी है आपकी 9th ठीक है। और वर्कशीट कौन सी है साइंस की आपकी वर्कशीट है ठीक है। वो मैथ का ऊपर खुला हुआ कर दीजिए, पर साइंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसमें मैथ का भी सॉल्यूशन आपका डाल दिया गया है और आपकी कल शाम तक सारी वर्कशीट चैनल पर डाल दी जाएंगी ठीक है। स्टूडेंट क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, आपकी मंडे शाम तक सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर डाल दी जाएंगी, पूरे वीक की वर्कशीट, सिर्फ मंडे की नहीं पूरे वीक की वर्कशीट आपको डाल दी जाएंगी ठीक है। अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि वर्कशीट डालते हैं या नहीं डालते, आप लोग उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि जैसी देखो जैसी वर्कशीट डल देना, आप सिर्फ क्लास पढ़े करो, जैसी वर्कशीट डली नोटिफिकेशन आप पे आया, उसमें आपने देखा क्लास 9th, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्लास लिखता हूँ, तो आप लोग क्लास 9th जैसे ही देखो उस पर क्लिक कर दो, मैथ की, इंग्लिश की, SST की, हिंदी की ठीक है, आपकी सारी वर्कशीट चैनल पे डाली जा रही है बैक टू बैक और आधी आपकी डल चुकी हैं ठीक है। तो मैं इसके आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो आपके विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर है कितना है 70 ठीक है। तो मैं इसमें आपको क्या बताऊँगा, देखो आपको जो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक है, वर्कशीट 70 के आपको जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इसके मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा आज, लेकिन ये है कि आप लोग इसे हैंड टू हैंड लिखेंगे ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा एग्ज़ाम में आप कैसे लिख सकते हो ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे आप नोट डाउन करोगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊँगा ठीक है। होप करता हूँ सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसका फर्स्ट का जो आपका सोल्यूशन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य उसका मान, उस शक्ति की शक्ति कहलाता है, उस व्यक्ति की शक्ति कहलाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्र वाट अथवा जूल पर सेकेंड होता है ठीक है। आपको इतना आंसर लिखना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग देखोगे कि एक वोट को परिभाषित कीजिए ठीक है। तो एक वोट को परिभाषित करना है, इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, फिर उसका लिखेंगे आंसर नंबर 2। देखो इसमें मैंने पूरा आपको लिखवाया हुआ है, आप ये लिखोगे, एक वोट यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वोट कहलाती है। ये आपका आंसर नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है ठीक है बच्चों। इसे वीडियो पॉज करके जल्दी लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दिया, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है, ये लिखना है आपको ठीक है। व्यावसायिक मात्रक लिखना है, 1 यूनिट में कितने ऊर्जा जूल होते हैं आपको वो लिखना है ठीक है। अब इसमें आप लोग को मैं बताता हूँ क्या लिखना पड़ेगा। देखो ये रहा, लिखोगे किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, पहले एक हेडिंग डालोगे ताकि टीचर को पता चले कि आप लिखने क्या जा रहे हो ठीक है। फिर आप लिखोगे 1 किलोवाट ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट पर आर, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट, नीचे लिखोगे 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड ठीक है। फिर आपका कितना हो जाएगा, वो 36 लाख हो जाएगा जूल। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो 33.6 × 10^6 जूल ठीक है। ये आपका आंसर आता है बच्चों। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिए, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना पड़ेगा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत इक्वल टू 250 किलोवाट आर इक्वल टू 250 यूनिट, 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल, 250 किलोवाट आर्स पर यूनिट इक्वल टू 250 × 3.6 × 10^6, आपका फाइनल क्या आ जाएगा 9 × 10^8 जूल ठीक है। स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, इसकी शक्ति क्या होगी। प्रश्न नंबर 5 ठीक है, उत्तर नंबर 5 करेंगे हम लोग। उत्तर नंबर 5, शक्ति
पी स्क्वल टू वॉट अपन में टाइम, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसे डायरेक्ट नहीं लिखना। आप डायरेक्ट अगर 100 वॉट लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप क्या करोगे, 1000 जूल अपन में 10 सेकंड, फिर आप लिखोगे 100 वॉट, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप जब को ये बताया कि आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से आंसर लिखना है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है बच्चों, तो फिर बता रहा हूँ एक बार कि आपकी पूरे वीक की वर्कशीट हमारे चैनल पर डाल दी जा रही है। ठीक है, जिसका मतलब यह है आधी वर्कशीट आपकी डल चुकी हैं और वर्कशीट और कंटिन्यू है। ठीक है, कल शाम मंडे की शाम तक पूरे वीक की वर्कशीट डल जाएगी, पूरे वीक की। उससे क्या होगा, आप लोग पहले होमवर्क कंप्लीट कीजिए अपना, ठीक है, फिर आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है, देखो आप अगर जल्दी वर्कशीट कंप्लीट करोगे आपका रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, एग्जाम की तैयारी कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जो भी वीडियो है आप लोगों को पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।